राजस्थान में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजस्थान में आज 117 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। जयपुर में 65, टोंक में 18, कोटा में 14, बांसवाड़ा में 13, बीकानेर की अगर बात करें तो 4, दौसा, जैसलमेर और करौली में एक एक पॉजिटिव पाए गए। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 678 हो चुकी है। लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 678 हो चुकी है। लगातार यह आंकड़ा बढ़ता हुआ राजस्थान में आज 117 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। 2:30 बजे की रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। जो 2:30 बजे की रिपोर्ट आई है उसी में ये 678 मामलों की पुष्टि हुई है। इससे पहले 579 तक ये आंकड़ा था और अभी लगातार ये आंकड़ा बढ़ते हुए 678 प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हो चुकी है। बिल्कुल कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजस्थान में आज 117 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए A1 टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, देखिए दोपहर के पहले ये मामला बिल्कुल कम था, 579 मामले थे कोरोना पॉजिटिव, लेकिन अभी 678 हो चुके हैं। बिल्कुल एकदम से ये जो उछाल आया है, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, चिंता का विषय लगातार बनता जा रहा है। ये जो जांच के लिए भेजे गए सैंपल उनकी रिपोर्ट आ रही है जी, यानी कि जो कल मिल गया था उसकी रिपोर्टिंग आज हो रही है जी। ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये बहुत सीरियस बात है। हालांकि अभी भी इसको ये कम्युनिटी स्प्रेड नहीं कह सकते, जो जिससे मिला है वो कर रहा है संक्रमित। तो रामगंज से निकला सारा ये जो निकला है जी, और रामगंज से जो निकल के बाहर आया उसने दूसरे को किया। ये चेन होती है, मल्टीपल चेन, ये रुक नहीं रही है। लॉकडाउन जिस कारण से रखा गया और रामगंज में कर्फ्यू जिस कारण से रखा गया परकोटे में जी, लोग बाहर नहीं निकले और बाहर निकलेंगे तो वो फैला देंगे। पर हमारे यहाँ इतने जड़मूर्ख किस्म के लोग हैं, मेरे को बहुत ही दुख हो रहा है ये बात कहते हुए जी, कि रामगंज से निकलकर एक शिक्षक बाड़मेर पहुंच जाता है। अब वो रस्ते में कितने लोगों को संक्रमित कर गया, अगर बाड़मेर जहाँ संक्रमण नहीं था वहां संक्रमण पहुंचा दिया। बिल्कुल, बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं, बार बार मुख्यमंत्री हाथ जोड़ कह रहे हैं कि अपने घर में बने रहो, बाहर मत निकलो, और अगर कोई सिम्टम आते हैं तो पहले जांच कराओ, पहले अब बताओ, छुपाओ मत। पता नहीं क्यों लोग छुपाने में लगे हुए हैं इस बात को, और घर से बाहर निकल के और कहां से कहां पहुंचने में लगे हुए हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि जो व्यक्ति घर से बाहर निकल रहा है, शहर से दूसरे शहर में जा रहा है, वो खुद अपने आप को खतरे में डाल रहा है, अपने परिवार को खतरे में डाल रहा है, उन सब लोगों को खतरे में डाल रहा है जो उसके संपर्क में कहीं ना कहीं आ रहे हैं। उनके संपर्क में जो लोग आएंगे वो भी संक्रमित होंगे। एक व्यक्ति पूरे देश को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। इसलिए ये बहुत दुखद है, नासमझी है, मूर्खता है, और इसको मैं एक तरह का अपराध क्राइम मानता हूं कि आदमी खुद तो है ही संक्रमित, और बिल्कुल भले पता ना भी हो तो भी बाहर क्यों निकलो। आप हर व्यक्ति में संभावना है, आशंका इस बात की वो संक्रमित हो सकता है। जब तक बहुत जरूरी नहीं हो, जैसे मीडिया के लोगों के निकलना जरूरी है, पुलिस वालों की निकलना जरूरी है, बहुत जरूरी सब्जी वाले खाने वाले के सामान वालों के लिए जरूरी है, सरकार ने जो कर रखा है, स्वास्थ्य कर्मी को जरूरी है, वो उतना ही और करें, और एहतियात से करें वो लोग भी। बिल्कुल, दस्ताने पहने, मास्क पहने, पता नहीं क्यों शर्म आती है लोगों, सैनिटाइजर से हाथ साफ करें या साबुन से हाथ साफ करें, छुए नहीं ज्यादातर चीजों को। तो ये जो एहतियात बहुत जरूरी, लोग लाइटली लेंगे तो अमेरिका और इटली जैसा हाल होने लग जाएगा भारत का। पूरी गंभीरता के साथ में इस बात को मानना जरूरी है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि दुनिया में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1 लाख पार हो गई है जी। 1 लाख लोग एक वायरस से, छोटे वायरस से, अदृश्य जो दिखता नहीं है, उससे पूरी दुनिया में मर चुके हैं, जिसमें 17,000 से ज्यादा लोग उस अमेरिका के हैं शामिल नागरिक, जो सर्वशक्तिमान है, जो देश दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर और वैज्ञानिक प्रगति का अग्रणी मुल्क है, जहां मेडिकल साइंसेज हमसे कई गुना आगे है, वहां पर भी 17,000 लोग मर चुके हैं। इसलिए अमेरिका में मास कब्रें खोदी जा रही है, लंबी लंबी मशीन से कब्रें खोदी जा रही है, एक एक कब्र में 100 आदमियों को दफनाने की तैयारी हो रही है। इटली में कब्रिस्तान नहीं बचा कोई जहां पर कब्र खोदी जा सके, तो नए नए खेतों कब्रिस्तान बनाया जा रहा है। कई देशों में लाशें पड़ी, उठाने वाला कोई नहीं है जी। ऐसे हालात देखते हुए भी अगर भारत में लोग, जहां इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट और सब तरह से और सरकारें भी जानकारी उपलब्ध कर रही, फिर भी हम नापरवाही करते हैं, नासमझी करते हैं,
तो हम अपने आप के दुश्मन है, देश के भी दुश्मन है। बिल्कुल अनिल जी, देखिए लापरवाही का आलम तो ये है, राशन की दुकानें खुली हुई हैं लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, लेकिन लोग वहां पर एक की बजाय चार चार लोग राशन खरीदने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, तो बेहद निंदनीय ये है। नहीं, मैं दोनों बातें कहना चाहता हूँ, इसमें भी सोशल डिस्टेंस बना के रख रहे हैं, बिल्कुल मास्क पहन लें, हाथ में तो बहुत बचत हो सकती है, और राशन तो चाहिए चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान तो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है, दूध चाहिए बच्चों के लिए, दवा चाहिए बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, ये तो सब उपलब्ध कराई रही है सरकार भी किस तरह, लेकिन वहाँ आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखो और उस अनुशासन का पालन करो जिस अनुशासन से आप जिसको फैलने से बचा सकते हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, लॉकडाउन बढ़ने वाला है, 15 दिन और बढ़ेगा, और इसकी कल परसों में घोषणा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश में लॉकडाउन बढ़ाने की, यानी कि पिकनिक का टाइम बढ़ रहा है, इसका मतलब ये कि सीरियसनेस है, और ये लॉकडाउन अनिश्चित काल पता नहीं कब तक भी बढ़ाना पड़ सकता है, जब तक कि ये चेन नहीं बंद होगी कोरोना वायरस की, एक भी कोरोना वायरस का पॉजिटिव पूरे देश को संक्रमित कर सकता है, इस चेन को काटें, बंद करें चेन को, और कोरोना वायरस को अपनी मौत खुद मरने दें, कहीं भी उसका नामो निशान नहीं रहेगा, तभी हम स्वस्थ होकर और प्रसन्नचित से अपनी इकोनॉमी को पटरी पर लाने की कोशिश कर सकेंगे, उद्योग धंधे खुल सकेंगे, देश को वापस जो बहुत पीछे हो गया है पिछले 3 महीने में 2 महीने में बहुत ज्यादा पीछे हो गया देश, उसको वापस हमको कम से कम 6 महीने लगेंगे, मोदी जी ने अभी दिए जलाए, लेकिन मैं समझता हूँ वास्तविक दिए कोरोना वायरस के खात्मे के बाद भी जो दिवाली पे दिए जलेंगे जी वही वास्तविक दिए होंगे खुशी के, तभी हम शायद कोरोना वायरस के जाने की विदाई की खुशी मना सकेंगे और वापस से अपनी अर्थव्यवस्था में जोश फूंक सकेंगे। जी बिल्कुल अनिल जी, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप सभी को बता दें कि जिस प्रकार से ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, बेहद सावधान और सतर्क रहने की देखिए आवश्यकता है, क्योंकि आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, ऐसे में एकमात्र बचाव यही है कि आप अपने घरों में रहें, जो लोग घरों में कैद हैं वो बिल्कुल घरों में रहें, बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके संपर्क में आने से बचें। लगातार राजस्थान में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, लॉकडाउन भी आगे बढ़ सकता है, ऐसे में बहुत जरूरत है सावधान रहने की, क्योंकि आप सभी की सुविधाओं को ख्याल में रखते हुए हर एक कदम उठाया जा रहा है, ऐसे में बहुत ध्यान रखें, और साथ ही जिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को आप खाद्य सामग्री मुहैया करवा रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, उनके साथ कोई फोटोग्राफ्स क्लिक नहीं करवाएं, क्योंकि सरकार ने भी ये सख्त आदेश दे दिए हैं, उस इंसान के स्वाभिमान और सम्मान का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत गलत हो जाता है उस इंसान को अपमानित महसूस करवाना, क्योंकि अगर ये संकट की घड़ी है तो हम सब साथ खड़े हैं एक दूसरे का साथ देने के लिए। 678 तक पहुंच चुका है ये आंकड़ा राजस्थान में, लगातार बढ़ोतरी दर्ज होती जा रही है, लगातार चिकित्सा विभाग अलर्ट है, पुलिसकर्मी हर जगह मौजूद हैं, मुस्तैद हैं, हर एक गतिविधि पर नजर रख रहे हैं, ऐसे में बिल्कुल लापरवाही नहीं बरत नहीं है, अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है जरूरी सुविधाओं के लिए तो आप घर से एक घर से चार व्यक्तियों की जगह एक व्यक्ति जाए, क्योंकि जितनी ज्यादा संख्या में आप जाएंगे संक्रमण का खतरा उतना ही अधिक बढ़ता जाएगा। लगातार जनहित में सरकार प्रयासरत है, प्रयास कर रही है, साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, भारत सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख की बीमा की घोषणा की थी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, राज्य सरकार ने 50 लाख जो बीमा है वो संविदा कर्मियों, पटवारी और साथ ही आंगनबाड़ी जो सहायिकाएं हैं उनको भी मुहैया करवाने का आश्वासन दिया है, क्योंकि वो लोग भी अपनी जान को खतरे में डालकर संकट में फिलहाल अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।